सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड। एंड हियर आई एम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू अवर चैनल एंड हु हैव जस्ट कम टू नो अबाउट अवर केम आईआईटी ऐप। एंड ऑल्सो फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इफ यू वॉच इट टिल एंड। सो इन शॉर्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर क्या हम केमिस्ट्री में आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, फिलहाल मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, देन इनऑर्गेनिक भी इसी तरह से कराया जाएगा, ठीक है। बट आई एम नॉट एश्योरिंग द डेट्स राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम्प्लीट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी विल डू इट एज वेल। सो क्या सर हम पूरी तरह से आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, हमें कुछ और देखने की ज़रूरत है क्या? तो मैं आपको आज की वीडियो में पूरी तरह से ये समझाऊंगा कि आप किस तरह से पूरी तरह मेरे ऊपर रिलाय कर सकते हैं। इन शॉर्ट आंसर आपको मैंने दे दिया है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आप बहुत अलग लेवल पे पहुँच जाओगे केमिस्ट्री के टर्म्स में। जेई एडवांस के PYQs और ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये तो बन ही जाएगा, बट साथ साथ आप एक्चुअल में सब्जेक्ट सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। सब्जेक्ट सीख जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। PYQs वगैरह बन जाएंगे, वो तो छोटी चीज़ें हैं तो बन ही जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा केमिस्ट्री पढ़ के। आपको समझ आएगा कि हाँ यार प्रॉपर ये माइंडसेट होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने की, और इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं, जेई एडवांस 2023 में भी जिस बच्चे ने हमें फॉलो किया है कम्प्लीटली, ऑल दो हमारे पास कोई 2 लाख 1 लाख बच्चों की ऑडियंस नहीं है, वी आर न्यू टू द मार्केट राइट नाउ, एंड हम पूरी तरह से क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाया जाता है आपके साथ, फेक इमोशनल अटैचमेंट्स, और फिर उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में यही सब तो चल रहा है आजकल, है ना। तो मेरा किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं बेस्ट लेवल पे पढ़ाऊँ आपको, बेस्ट लेवल की चीज़ दूँ, सो दैट आप अच्छे जगह जा सकें सिलेक्ट होकर, और उसमें मेरा एक भरपूर कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ चीज़ें आगे चल रही हैं, और ज़ीरो से अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के दम पर। आप जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल पे चीज़ें थी उस समय। हाँ, पढ़ाई के टर्म्स में नहीं बात हो रही है, बाकी और दूसरी चीज़ें आप देख सकते हो। तो सिर्फ क्वालिटी के दम पर यहाँ तक आए, और अभी तो और बहुत आगे जाना है। तो आप भी बिल्कुल हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं, और अपनी एडवांस की प्रिपरेशन में एकदम 4 चांद लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ चल रही हैं। आपने अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने जब स्टार्ट कर रहा था, मैं 100% फ्री ऑफलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, लोगों को लग रहा था स्कैम है, ऐसा है वैसा है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो रहा है। आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, बच्चे हमारे होंगे उसमें, तो दे विल टेल यू कि हाउ स्मूथली द क्लासेस आर गोइंग ऑन, कम्प्लीट केमिस्ट्री, कम्प्लीट फिजिक्स, एंड ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में उनकी चल रही हैं, ठीक है। वो सब बात अपनी जगह है, अभी हम बात करते हैं हमारे केम आईआईटी ऐप के थ्रू आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी बात करूँगा अबाउट अवर 2 कोर्सेस। वैसे आपको छोटे छोटे बहुत कोर्सेस दिखेंगे, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल अगर आपको कुछ सेपरेटली चाहिए तो, ठीक है। बट अभी मैं बात करूँगा अबाउट कम्प्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कम्प्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड कम्प्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, बीच बीच में अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों को लगता है सर गायब हो गए क्या कहीं, तो इसलिए अपडेट देना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। सो बेटा देखो, कम्प्लीट फिजिकल केमिस्ट्री और कम्प्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। ऑब्वियसली कम्प्लीट थिंग्स आर नॉट फ्री ऑन अवर यूट्यूब चैनल, एंड इट विल नॉट बी फ्री इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ दिस। सो
दीज थिंग्स आर एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, अगर आप अभी जाकर देख रहे होंगे, सो इट इज़ जस्ट एट दिस प्राइस, दिस एज वेल एज दिस, ये सेपरेटली दोनों इस प्राइस में आपको मिल रहे होंगे। बट अगेन, अगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो अगर आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, EWS, BPL, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो अगर आप हमारी टीम को भेजते हैं, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प आउट करते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ किया गया है, इवन मोर देन 60% भी उनको पर्सनल डिस्काउंट्स दिया गया है ऑन दैट बेसिस, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रावधान है। आप ऑल्दो ये प्राइस वैसे भी बहुत कम है, जिस जिस लेवल की चीज़ें आपको दी जा रही हैं उसके कंपैरिजन में। तो बेटा, बात ये आती है कि हम करें कैसे। सबसे पहले तो आपको बेटा कैम IIT ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चीज़ें चीज़ें आपको ऑनलाइन, मतलब फ़ोन पे भी आप यूज़ कर सकते हो, देन लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो लेक्चर्स देखने के लिए, आईपैड भी यूज़ कर सकते हो, मैकबुक भी यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग विथ एवरीथिंग दिस इज़ कंपैटिबल, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं कि चैप्टर्स किस तरह से करने हैं। तो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो अभी जस्ट हमने 2-3 दिन पहले मोल कॉन्सेप्ट फिनिश किया है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट फिनिश किया है। तो जो भी बच्चा अभी शुरू करना चाहता है फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी शुरू करना चाहता है, सबसे फर्स्ट थिंग ही शुड डू इज ही शुड कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के 8 लेक्चर्स। बहुत अच्छे से ये 8 लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पर पब्लिक अवेलेबल हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। आफ्टर दैट अभी मैं सब बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल कैसे, क्वेश्चंस कहाँ से करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट आप फिनिश कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, एंड आइडियल गैसेस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, दैट ऑल्सो वी विल डू। ये पोर्शन थोड़े से बचे हुए जस्ट, और ये आप समझ सकते हैं कि दिस इज मियरली 10% ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस, 10% भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना पार्ट बचा बेटा बचा हुआ है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, आप जाएंगे अगर ऐप में स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाकी सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दिए गए, ताकि वो थर्मोडाइनमिक्स हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो काइनेटिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, और आप स्टूडेंट्स का फीडबैक भी ले सकते हैं। मैं तो रोज़ मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो दे आर रियली इंजॉइंग द लेक्चर्स, और आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि स्टडी मटेरियल्स या क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ध्यान से समझना, मेरा ये मानना है कि जब भी बच्चा क्वेश्चन करे तो टेस्ट के फॉर्म में करे, टेस्ट के फॉर्म में, भले वो पहली बार कर रहा हो तो नंबर कम आएंगे और कुछ नहीं, टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा की है JEE एडवांस में अच्छा स्कोर करने का, या JEE मेंस में भी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा स्कोर करने का एक बहुत बड़ा की है कि वेन एवर यू सॉल्व योर कोचिंग मॉड्यूल्स एंड वॉट एवर यू हैव, यू मस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ टेस्ट। लेकिन ये हो नहीं पाता है ना, ये नहीं हो पाता है, हम क्योंकि वो माइंडसेट नहीं रहती हमारी, तो हम 4 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उठ के घर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो सिर्फ इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए मैंने ये कोशिश करी है कि जो भी हमारे स्टडी मटेरियल्स होंगे इसको हम टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे, ठीक। पूरे क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्म में मिल रहे होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कही गई चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप भी वो 100+ मार्क्स की कैटेगरी में आने से दूर नहीं रहेंगे, बता रहा हूँ। तो टेस्ट के फॉर्म में आपके साथ चीज़ें की जाती, पूरा टेस्ट के फॉर्म में मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर अभी आप देखेंगे, अभी टेस्ट पूरे अपलोडेड नहीं है, अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले आप लेक्चर्स कंप्लीट करिए, उसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस है वो करिए, और अगर आपको बाहर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप नीरज कुमार, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड फॉर JEE एडवांस प्रिपरेशन।
even if you want to practice level 1 problems, this book contain वेरी गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, आप कर सकते हैं इस किताब को। आफ्टर दैट जितने भी और जो क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ हर चैप्टर के, हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन एटलीस्ट, ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन हम हर चैप्टर के आपको प्रोवाइड करें इन फॉर्म ऑफ टेस्ट। क्योंकि और आप जब ये टेस्ट देंगे तो बिल्कुल पोर्टल में आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल बाउंडेशन रहेगा कि आपको टेस्ट कंप्लीट करना ही है, और आपके मार्क्स को मैं विजुलाइज भी कर पाऊंगा कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कम आए, है ना, हम मिनिमम 5 अटेम्प्ट्स अलाउ कर देंगे आपको, तो पहले अटेम्प्ट में आपके मार्क्स हो सकता है कम आए क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं किया आपने चैप्टर के। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद फिर उन क्वेश्चंस को फिर कर सकते हो, और फिर जब करोगे तो भी इन फॉर्म ऑफ टेस्ट्स करना है। ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्प करेगा वो चीज़। तो ये हम इस तरह से हर चैप्टर के लिए करने वाले। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो रेडॉक्स इक्विवेलेंट के हमारे 2 टेस्ट्स अपलोड हो चुके हैं ऐप पे ही, एंड और ये टेस्ट भी प्राइवेट रहने वाले हैं। कुछ टेस्ट भले पब्लिक रहेंगे बट ज़्यादातर टेस्ट प्राइवेट रहेंगे, और इन पे एक्सेस उन्हीं बच्चों का रहेगा जो हमारे साथ कंप्लीट फिजिकल एंड कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। एडवांस के भी टेस्ट रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पहले लेवल 1 के टेस्ट अभी अपलोड हो रहे हैं, अभी पहले लेवल 1 के टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, फिर लेवल 2 के एडवांस के टेस्ट अपलोड होंगे। एंड आफ्टर दैट चैप्टर्स तो बेटा हो गए पूरे, और ये जो हमारा रिडॉक्स है, मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट इट बाय टुमारो, कल से हम इसको यूट्यूब पर लेक्चर्स इसके स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो यू कैन स्टार्ट विथ IUPAC, यू कैन स्टार्ट विथ IUPAC, एंड IUPAC इज फ्री ऑन यूट्यूब, एंड देन वी हैव आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कम्प्लीटली करा दी गई है अभी तक। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑनगोइंग है, चल रहा है, और बहुत अच्छे से आपको ये भी फिनिश करके देंगे कुछ दिनों में। आइसोमेरिज्म हमारा कम्प्लीट हो चुका है। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं बहुत बार इस बात को कहा है, मैंने पिछले साल भी कहा है बच्चों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डोंट जज इट लाइक 11th क्लास 12th क्लास। नहीं, पूरा ख़राब इसीलिए होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप इसमें 11th 12th करने लगते हैं। लेट इट बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉलो द ऑर्डर, द सीक्वेंस दैट आई एम टेलिंग यू। IUPAC, देन आइसोमेरिज्म कंप्लीट इंक्लूडिंग स्टीरियो, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, सब कुछ, कन्फर्मेशनल, सब कुछ करा दिया गया आपको। आफ्टर दैट GOC हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटेड, और दीज लेक्चर्स आर यूट्यूब पर फ्री ऑल एज वेल। ठीक है, टोटल आई गेस 17 or 18 lectures आर देयर, 17 or 18 lectures ऑफ GOC। दिस पोर्सन हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटेड इन आवर ऑर्गेनिक कोर्स, एंड देन रिएक्शन mechanisms गोइंग ऑन, वी हैव डन 3 lectures ऑफ रिएक्शन mechanism ऑफ अप्रॉक्स 1 hour ईच। यू कैन हैव अ लुक एट दीज थिंग्स इन द ऐप एज वेल। सो 3 lectures हैव बिन डन, एंड few more will be done with reaction mechanism। और फिर इसी तरह से ये जो मैंने टेस्ट वाली बात करी, ये सब चीज़ों की आपको टेस्ट इधर भी अपलोड होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आप ये कर रहे हो हमारे साथ, तो आपको और कहीं कुछ किसी के साथ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अरे यार, बेस्ट लेवल की चीज़ मिल रही है, ठीक है, क्यों लगाना कहीं इधर उधर दिमाग, कोई ज़रूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की। तो आप इस तरह से, अब रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हमारे जो इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर हैं, फिनॉल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, देन अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लाइक दिस आप जानते हैं, तो वो चैप्टर्स हमारे स्टार्ट होंगे। अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर्स लाइक दिस, एवरीथिंग विल बी डन इन दिस कम्प्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। इवन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी डन विथ फुल डेडिकेशन, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स इग्नोरिंग दैट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, बट ये बहुत गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए। यू विल सी प्रॉब्लम्स इन JEE Advanced एज वेल विद दैट टॉपिक, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
दैट इज समवॉट अंडर रेटेड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यही प्लानिंग है बेटा हमारा। और इसके बाद एक कोर्स और अगर आप कर लेते हैं जो अभी नहीं आ रही, वो उसको आने में टाइम है, बट आपको ये करना है, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद एक हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। इनऑर्गेनिक बहुत बच्चे पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कंप्लीट करा दूँ उसके बाद में इनऑर्गेनिक का भी बिल्कुल आपको अपडेट दूंगा। 99% चांस है दैट वी विल डू कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज़ वेल। तो अभी, लेकिन अभी मैं डेट नहीं बता रहा, पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूँ। मैं तीन चीज़ें साथ में कराने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ये गारंटीड है, ये हम करने वाले हैं लास्ट के मंथ्स में। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और ये कंप्लीट करने के बाद आपको करना पड़ेगा मेरे साथ एक अलग कोर्स, विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे और उसका बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे द्वारा मिलेगा। मेरे एक्सप्लेनेशंस अगर आपको देखने हैं तो आप रियल जेई एडवांस सीरीज में 105 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाइए वहाँ देखिए, आपको समझ आएगा कि एक्सप्लेनेशन किसे कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन वो नहीं जो डाउट सॉल्विंग इंजन चलता है ना आजकल हमारे पास है बहुत बड़ा डाउट सॉल्विंग इंजन, वो सब पे भरोसा ही मत करना, पूर्णतः बकवास है वो। ठीक है, जेई एडवांस के लिए आपको एकदम गर्त में डाल देंगे वो डाउट सॉल्विंग इंजन। और मेरे को पता है कैसे कैसे लड़के उसमें बैठ के डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे को पता है कैसे लोग बैठ के उसमें डाउट सॉल्व करते हैं, जिनको सब्जेक्ट का कुछ नहीं आता वो आपके डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पे, पता नहीं कैसे करते हैं बट कर रहे होते हैं। तो आप समझ लीजिए ये सब चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई होती है। अगर आप थोड़ा दिमाग रखते होंगे तो आपने भी फील किया होगा ये चीज़ों को, कि कैसे कैसे डाउट सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं वहाँ। तो यहाँ कम्प्लीटली मैं खड़े होकर आपके सामने कंप्लीट आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, एकदम क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों को मिला के, जेई एडवांस के पेपर की तरह। ठीक है, तो बस यही प्लान है बेटा, अगर ये आप कर लेते हैं तो बिल्कुल यू विल फिनिश 100+ इन अपकमिंग जेई एडवांस 2024। 25 वाले बच्चों के लिए भी सेम चीज़ें हैं, आपको भी यही चीज़ें फॉलो करनी है, सेम कोर्सेज को फॉलो करना है। ठीक है, सेम चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और 23 वाले बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो अब तो आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ शेयर द वीडियोस एंड द फीडबैक्स अबाउट द ऐप जिसके थ्रू आपने पढ़ाई की है, और चैनल जिसका आपने हेल्प लिया है फॉर योर जेई एडवांस प्रिपरेशन, बिकॉज आपने, आप लोगों ने कहा था कि सर 23 जेई एडवांस तक तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, आफ्टर दैट वी विल हेल्प यू इन ग्रोइंग। तो बिल्कुल आपसे एक बार आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपकी प्रॉमिस का, और बिल्कुल आप कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, बिकॉज मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर ये चैनल आपके पास पहुँच गया है, अगर आपके पास आ गया है, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, Thanks for watching.